अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज हमारे पास ये एक चाइना मेड सीआरटी टीवी पड़ा है और आज हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अगर आपको बेल आइकन नज़र आ रहा है तो आप उसको भी क्लिक कर दें, क्योंकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आपको सेंड करूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब के अंदर, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलो बराबर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको पावर पर लगाता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे। तो यह देख लें, मैंने इसको पावर पर लगा लिया है। सही हो गया जी। तो ये कुछ देर के बाद हमारा टीवी चालू हो जाएगा। सही हो गया। तो हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। ये देख लें, ये आ तो रहा है लेकिन आके फिर दोबारा जा रहा है। सही हो गया जी। ये देख लें, और अभी इसका जो लोड है वो हमें नज़र भी आ रहा है, ये किस तरह से फॉल्ट आ रहा है। सही हो गया जी। तो आज हम इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। सही हो गया। तो चलो मैं अब इस किट को खोल लेता हूँ और उसके बाद हम इस टीवी को पीछे से मैं कवर खोल लेता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी टीवी को खोल लेता हूँ पीछे से जी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने टीवी का जो पीछे वाला कवर है वो मैंने इसका खोल दिया है। तो इसकी जितनी भी वायरिंग होती है वो पहले हमें निकालनी होती है, वो मैं निकाल देता हूँ अभी। सही हो गया जी। तो जितनी भी इसकी वायरिंग होती है वो भी मैं इसकी यहाँ से निकाल देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, कि ये इस तरह से क्यों प्रॉब्लम हमें शो करवा रहा है। सही हो गया जी। तो बहरहाल अभी हम इसको, मैं क्या करता हूँ कि कल्टी मार लेता हूँ। कल्टी मारने से पहले हमें इसका ऊपर ऊपर से चेक करना होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ ख़राब है, क्योंकि वैसे ही अगर हमें ऊपर से इसका फॉल्ट मिल जाए तो फिर हमें आगे ढूंढने की क्या ज़रूरत होती है। तो बहरहाल अगर हम यहाँ से ऊपर से, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे, तो ये हमारी वर्टिकल ऐसी है, अमूमन इसका ही फॉल्ट आता है ये। तो बहरहाल अभी तो ये हमारी वाइट कलर आईसी भी सही लग रही है और इसके जो कंडेंसर हैं वो भी हमें बहरहाल अभी तो सही लग रहे हैं। सही हो गया जी। तो ये आप देख लें, हमारी वाइट कलर आईसी बिल्कुल सही नज़र आ रही है। तो बहरहाल अब हमें क्या करता हूँ कि इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो अब हम इसको लगा के चेक करेंगे और इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज कहाँ पर कितने आ रहे हैं। तो पहले हमें जो है कि 25 के वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें 25 वोल्ट चेक करने हैं। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही हो गया जी। 200 पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और जो हमारी ग्राउंड की वायर होती है वो ग्राउंड पर लगानी होती है, वो मैं आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन अभी भी बता देता हूँ। ये देख लें, ये मेरे पास ग्राउंड की वायर है, तो ये मैं इस बाटी की ग्राउंड के साथ लगा लेता हूँ। ये मैंने हर वीडियो के ऊपर बताया होता है लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। तो ये मैंने यहाँ पर ग्राउंड लगा लिया। सही हो गया जी। तो ये आप देख लें, अभी आपके सामने ये पड़ा हुआ है मीटर। तो पहले हम इसके आईसी के वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे हमारे जो आईसी के वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं। और मैंने जितने बताया 25 से 27 28 तक, 29 तक भी आ जाएँ तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन हमारे वोल्टेज इतने तक आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते और इससे कम भी नहीं आते। तो मैंने अभी टीवी को चालू कर लिया है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 31 आ रहे हैं। सही हो गया जी। ये असल में ये दोबारा ऑन ऑफ इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसके जो वोल्टेज है वो टीवी चालू होके दोबारा फिर ऑफ हो रहा था, वो हमारे सीरीज की वजह से हो रहा था। सही हो गया जी। ये इसके ऊपर लोड नहीं है तब जाके ये इतने वोल्टेज बन रहे हैं, जब इसके ऊपर लोड आता है तो इतने वोल्टेज नहीं होते। ठीक हो गया। जब इसके ऊपर लोड आता है तो ये फिर 28 से लेके 26 25 तक आ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई लोड नहीं है क्योंकि मैंने इसकी वायर निकाली हुई है। तो इसकी वजह से ये इसके इतने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यह हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं। अब हम इसके आउटपुट के वोल्टेज जो हैं वो चेक कर लेते हैं, जो कि 15 से 13 वोल्टेज आने चाहिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो वो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो वो अभी आना शुरू हो चुके हैं 28। ठीक है जी। क्योंकि इसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो मुकम्मल लोड नहीं आ रहा, लोड आके दोबारा चला जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो लोड आके चला जा रहा है। ये देख लें, इसका जो लोड है वो रुक रहा नहीं है एक साइड पर ना, तो इसकी वजह से ये वोल्टेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहा है, कम नहीं हो रहे इसके वोल्टेज। तो यही इसका इशू है और यही इसका प्रॉब्लम है। तो बहरहाल अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसके दूसरे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं
जैसे मैंने आपको बताया था वैसे हम दूसरे भी इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसका आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे नहीं है कि इसकी आईसी सही हो, कि इसके आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने इसको 20 की रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है, सही हो गया जी। तो मैंने अभी इसको 20 की रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम इसके जो है वो आईसी के वोल्टेज जितने होते हैं 9 वोल्ट, वो हम चेक कर लेते हैं कि वो हमें सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, सही हो गया जी। तो हमारे जो आईसी के वोल्टेज होते हैं जो आउट होते हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं, सही हो गया जी। ये देख लें, आउट यहाँ से आईसी निकाल रही होती है तो ये 9 वोल्ट हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन ये भी अप डाउन हो रहे हैं। वो इस वजह से कि हमारा जो टीवी है वो लोड सही तरह से नहीं उठा पा रहा। तो अब हम इसके 5 वोल्ट जो है वो चेक कर लेते हैं, जो कि इस मेमोरी आईसी के ऊपर आने चाहिए होते हैं। देख लें, ये 5 वोल्ट भी आ रहे हैं मेमोरी आईसी के ऊपर, सही हो गया जी। तो अगर हम यहाँ पर इसके 5 वोल्ट चेक करें तो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिल रहे, सही हो गया जी। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसके वोल्टेज जो है वेरी हो रहे हैं, और यहाँ पर हमें इसके 5 वोल्ट जो है नहीं मिल रहे। ये हमारा फॉल्ट अभी हमें नज़र आ रहा है। तो यही पॉइंट जाती हुई हमें यहाँ पर मिलती है, सही हो गया जी। तो सॉरी, यहाँ पर नहीं होती, मैं दोबारा इसको ट्रेस कर लेते हैं हम, इसका वही इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये हमारी लाइन होती है, यहाँ पर इसके 5 वोल्ट आने चाहिए होते हैं जो कि हमारे नहीं आ रहे, सही हो गया जी। यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट आने चाहिए होते हैं वो कि नहीं आ रहे। तो यही हम अब लाइन इसको ट्रेस करेंगे और देखेंगे ये कहाँ तक जा रही है, सही हो गया जी। तो मैं अभी इसको ट्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ तक जा रही है, सही हो गया। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए जो कि नहीं मिल रहे। तो यही लाइन हम अब इसको ट्रेस करके लेके जा रहे हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है, सही हो गया जी। तो ये अभी तक आगे जा रही है, ये जाके यहाँ पर आ रही है। तो यही लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, सही हो गया जी। ये जो आप देख सकते हैं कि यही लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ से निकलती हुई, ठीक है जी, यहाँ से ये निकलती हुई यहाँ तक आ रही है, सही हो गया जी, यहाँ तक आ रही है। या अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख ले, यहाँ तक आ रही है, और यहाँ से लेते हुए ये हमारा ट्रांसफर लगा हुआ है, रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम इसके 9 वोल्ट चेक कर लें तो वो हमें सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। 9 से 10 तक जो वोल्टेज हमें मिलते हैं, ये देख रहे हैं 12 से 14 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके जो 5 वोल्ट निकालने चाहिए वो ये सही तरह से नहीं निकाल पा रहा। तो एक साइड से तो निकाल नहीं पा रहा है ये 6 वोल्ट, लेकिन दूसरी साइड से इसके 5 वोल्ट निकलते हैं वो नहीं निकाल रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इस ट्रांसफर को चेंज करता हूँ, और इस ट्रांसफर को चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो पहले मैं इस ट्रांसफर को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं अभी इसको पावर से निकाल देता हूँ और मैं इस ट्रांसफर को चेंज कर लेता हूँ, सही हो गया जी। तो मैं अभी, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो ये वाला ट्रांसफर है मैंने अभी निकाल दिया है। तो इसकी अगर आप साइड देखें तो ये बहुत ही बुरी तरीके से जलती हुई हमें नज़र आ रही है, जली हुई नज़र आ रही है, सही हो गया जी। तो ये मैंने इसका ट्रांसफर निकाला है, ये देख लें भाई, ये इसका जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लें 2383 नंबर है इसका भाई। तो मैं भी इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख लें 2383 इसका नंबर है, सही है भाई। इसकी जगह पर मैं दूसरा 2383 लगा लेता हूँ, अगर इस पर आप 2655 लगाएं वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं इसके ऊपर 2383 लगाता हूँ और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसका जो फॉल्ट है वो हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता, ठीक हो गया जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसके ऊपर ट्रांसफर लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सही हो गया जी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दूसरा ट्रांसफर लगा लिया है, सही हो गया जी, इसके ऊपर मैंने दूसरा ट्रांसफर लगा लिया है। तो अब हम इसको दोबारा चेक करके देख लेते हैं कि हमारे इसके जो वोल्टेज हैं वो अभी मुकम्मल आते हैं कि नहीं आते, 5 वोल्ट हमारे पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे यहाँ पर। तो पहले हमारे ये 5 वोल्ट पूरे नहीं आ रहे थे, तो अब हम इसके चेक कर लेते हैं कि हमारे जो 5 वोल्ट थे वो अभी पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको अभी यहाँ पर लगा लिया, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इस मीटर को मैं अभी 5 वोल्ट की रेंज 20 की रेंज पर सिलेक्ट करता हूँ और इसके 5 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं, सही हो गया जी। तो अब हम इसके 5 वोल्ट चेक करेंगे, तो इसका जो ग्राउंड की जो वायर है वो मैं वहाँ पर ग्राउंड पर ही लगा लेता हूँ, जो कि यही ग्राउंड की वायर थी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, सही हो गया जी। और अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जहाँ के हमें यहाँ पर इसके वोल्टेज मिल रहे थे कि वो 5 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे थे, वो हम चेक कर लेते हैं पहले, हमें इसके 5 वोल्ट यहाँ पर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं।
अगर हमारे यहाँ पर इसके 5 वोल्ट मिल जाते हैं तो फिर 100% हमें यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलने चाहिए। सही है जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको पावर पे लगाता हूँ और इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पावर पे लगा लेता हूँ। तो मैंने इसको भी पावर पे लगा लिया है। सही है जी। और अब हम इसके 5 वोल्ट जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि वो हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 4.9 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे 5 वोल्ट अभी सही तरह से बनना शुरू हो चुके हैं। तो यही 5 वोल्ट हमें यहाँ पर भी मिलने चाहिए। सही हो गया जी। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। तो अब हमारी जो तस्वीर है वो भी अभी क्लियर आनी चाहिए। जैसे कि अभी ये लोड भी नहीं उठा रहा, ये देख लें। तो अभी हमें जो तस्वीर है वो भी अभी फुल नज़र आनी चाहिए। सही हो गया जी। तो ये देख लें, हमारी यह तस्वीर भी अभी इसकी फुल नज़र आना शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो है वो मैंने लोड की वजह से मैंने वो वायर जो निकाली थी वो मैं अभी सही तरह से लगाऊंगा। मैंने दूसरे नंबर पे लगा ली थी, अब मैं इसको अपने नंबर पे लगाऊंगा तो ये हमारी जो तस्वीर है वो क्लियर आ जाएगी। सही हो गया जी। तो बहरहाल हमने ये वाला जो ट्रांसमीटर है वो चेंज किया था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। सही हो गया जी। ये अगर आप देख लें इसका नंबर, तो इसका 2383 नंबर है। तो यही हमने ट्रांसफर चेंज किया था, तो इसका प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया था। सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।